नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज अपने परिवार सहित अपने गृह जिला बिलासपुर के विजयपुर स्थित मतदान केंद्र पर अपना मतदान किया। नड्डा अपने परिवार के साथ अपने आवास से सुबह 10 बजे मतदाता मतदान केंद्र के लिए रवाना हुए और विजयपुर मतदान केंद्र पर पहुंचे। उन्होंने अपना मतदान करने के बाद वहां स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की और उनका कुशल क्षेम पूछा। नड्डा ने इसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों में मतदान को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, जो कि स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को लोकतंत्र के पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। नड्डा ने कहा कि हिमाचल में लोगों ने एक बार फिर से भाजपा को मौका देने का मन बनाया हुआ है, जिससे हिमाचल में पूर्ण बहुमत से भाजपा एक बार फिर से सत्ता में वापसी करने जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के बाद गुजरात की लड़ाई को पूरे जोर शोर से लड़ा जाएगा और गुजरात में भी भाजपा की सरकार बनाई जाएगी। नड्डा ने प्रदेश के लोगों को मतदान के लिए भी अपनी शुभकामनाएं दी है। वहीं कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रामलाल ठाकुर ने अपने नमहोल स्थित घयाल बूथ पर अपना मतदान किया। उन्होंने कहा कि जनता इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है और प्रजातंत्र के इस त्योहार में अपने आप को जोड़ने का मौका मिला। इसके लिए मैं यहाँ के तमाम लोगों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लाइन में लग करके कर रहा था लेकिन सभी ने कहा नहीं आपको, आप पहले कर लें, लेकिन फिर भी वो मतों का मुझे प्रयोग करने का यहाँ सौभाग्य मिला है और मैंने अपने मत का प्रयोग परिवार के साथ यहाँ पर किया है। जहाँ तक सवाल है चुनाव का, तो मैं सुबह से ही जिस तरीके का वातावरण देख रहा हूँ और यहाँ भी आया तो जो मैंने वातावरण देखा, मुझे लगता है कि एक तरीके का उत्साह लोगों के मन में है और वो उत्साह सही दिशा से सही बात को लेकर के है और मुझे लगता है कि मैं इस उत्साह में अपने आप को भी शामिल करता हूँ और निवेदन करता हूँ सबसे कि अधिक से अधिक मतों में का अपना प्रयोग कीजिए और प्रजातंत्र को और मजबूत। रिवाज बदलेगा प्रजातंत्र में जो चुनाव की प्रक्रिया है, ये हमारा एक पर्व है, सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए ताकि आगे जो है वो आपकी अपनी विचारधारा के लोग और राष्ट्रहित के प्रदेश हित के लोग जो है वो आगे चुन के आए। मेरा सबसे निवेदन है कि कृपया करके आप सभी इकट्ठे होके जो है वो वोट ज़रूर डालें ताकि एक मजबूत प्रजातंत्र स्थापित करने में आप सहयोगी बन सके। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।